अब तक तीन चार पॉइंट हम लोग जान चुके हैं, क्या क्या जाने हैं। एंडोडर्मल सेल कहां मिल रहा था, हमने कहा रूट में दे आर मोर प्रोमिनेंट। क्या कहा हमने, रूट में दे आर मोर प्रोमिनेंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन किया। दूसरा, इसका शेप कैसा था, ये बैरल शेप्ड सेल था, है ना। आपस में कैसे फिटेड था, तो क्या आंसर देंगे, दे आर क्लोजली फिटेड। फिर बताओ स्पेस मिला या नहीं मिला, क्या आंसर होगा तुम्हारा, देयर इज नो इंटर सेलुलर स्पेस। और फिर हम लोग आए, किसका इनर मोस्ट लेयर था, तो आंसर क्या देंगे बच्चों, आंसर इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। तो ये कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर था। अब तक हम लोग एंडोडर्मल सेल्स के बारे में चार पॉइंट क्लियर कर चुके हैं ना, क्या क्या किए हैं फिर से रिपीट करो। दिस इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। सेकेंड, दे आर बैरल शेप। तीसरी बात, आपस में दे आर क्लोजली फिटेड। और चौथी बात, देर इज नो इंटर सेलुलर स्पेस इन बिटवीन देम। अब हम लोग आते हैं, इसके स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर रहे थे, तो क्या पाए, इसका इनर और रेडियल वॉल। अब देखो, पहले तो समझना है कि कौन सा वॉल इनर है, कौन सा रेडियल है, कौन सा आउटर है। तो यहां पे सेंटर पे पहुंच जाओ, सेंटर से देखना शुरू करो। तो ये वॉल इनर वॉल, ये वॉल जिसको पार्टीशन वॉल कह रहे हैं, ये रेडियल वॉल, और ये वॉल आउटर वॉल। तो क्या देख रहे हैं डायग्राम में, इनर वॉल और रेडियल वॉल पे कुछ थिकनिंग दिख रही है। ये जो हम लोग कलर से दिखा रहे हैं ना, ये ब्लू कलर से थिकनिंग दिखा रहे हैं, मतलब इनर वॉल एंड रेडियल वॉल्स आर थिक। कौन सा वॉल थिक है, डायग्राम को देखो फिर से, इनर वॉल और रेडियल वॉल कैसा है इसका, थिक है। अब तुम्हारे मन में ये प्रश्न आएगा, क्वेश्चन आएगा, व्हाई दिस इज दिस थिकनिंग इज देयर, कौन सी चीजें इस थिकनिंग में है। तो हम लोग कहते हैं, दो केमिकल कंपाउंड का नाम हमने लिखा, सुबेरीन और लिग्निन, कॉमनली सुबेरीन नामक वैक्सी लेयर का डिपोजिशन हो गया है। किस चीज का डिपोजिशन हुआ है, सुबेरीन नामक वैक्सी, ये जो दिखा रहे हैं ना, ये एक वैक्सी लेयर का डिपोजिशन दिख रहा है। तो ये वैक्सी लेयर का डिपोजिशन हो गया है, जिसका नाम है सुबेरीन, और सुबेरीन के साथ साथ लिग्निन का भी डिपोजिशन होता है, दोनों का ही नेचर वैक्सी है। तो हम लोग एंडोडर्मल सेल के बारे में ये नेक्स्ट पॉइंट जाने। अब इस पूरी बात को, ये जो वैक्सी लेयर की थिकनिंग पाई जाती है, इसको गैरी कैस्पेरोव नामक साइंटिस्ट इसको डिस्कवर किए थे, इसीलिए उनके नाम पे, कैस्पेरी साइंटिस्ट के नाम पे हम लोग इसको कह दिए कैस्पेरियन स्ट्राइप। क्या नाम रखे इसका हम लोग, कैस्पेरियन स्ट्राइप। तो कैस्पेरी नामक साइंटिस्ट ने इन चीजों को खोजा था, इसीलिए साइंटिस्ट के नाम पे हम लोगों ने क्या कहा इसको, कैस्पेरियन स्ट्राइप नाम दे दिया। अब हम लोग इसके अंदर ऑब्जर्व करना शुरू किए, तो क्या देखे, इसके अंदर स्टार्च ग्रेन मिल रहा था। क्या मिल रहा था, स्टार्च ग्रेन मिल रहा था, और चूंकि स्टार्च ग्रेन मिल रहा था, इसीलिए हम लोग इसको अब हम लोगों ने इसका नाम रखा स्टार्च शीट। क्या नाम रखा इसका, स्टार्च शीट। तो ये पॉइंट्स हम लोग डिस्कस किए, किसके बारे में, एंडोडर्मल सेल के बारे में। जरा सा फाइनली इसको फिर से हम लोग समअप करें, एंडोडर्मल सेल किसका इनर मोस्ट लेयर है, पहला क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ, योर ऑप्शन विल बी, ये किसका है, तो कहेंगे कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके सेल देखने में कैसे हैं, तो आंसर क्या होगा, दे आर बैरल शेप्ड सेल। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपस में कैसे फिटेड है, तो हम लोग आंसर देंगे, दे आर क्लोजली फिटेड। कैसे फिटेड है, ये क्लोजली फिटेड है। अब इनके बीच में स्पेस है या नहीं है, तो कहेंगे देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस इन बिटवीन देम। फिर पांचवें पॉइंट पे आते हैं, किस वॉल पे थिकनिंग मिल रही है, तो इसके इनर वॉल और रेडियल वॉल पे थिकनिंग मिल रही है। थिकनिंग किस चीज की है, थिकनिंग सुबेरीन नामक वैक्सी लेयर की, और कभी कभी लिग्निन नामक वैक्सी लेयर की डिपोजिशन से दिख रही है। तो सुबेरीन और लिग्निन इज डिपोजिटेड, लेकिन किन दो वॉल में, आउटर वॉल में नहीं, आउटर वॉल में डिपोजिशन नहीं है। तो कहां है, इस नीचे वाले वॉल को बोले इनर वॉल, और इन दोनों के बीच के पार्टीशन वॉल को बोले रेडियल वॉल।
तो ये इनर और रेडियल वॉल में दिख रही है, ना कि आउटर वॉल में। अब हम लोग आ गए इसके बारे में, कौन से साइंटिस्ट थे जो इतनी सारी चीजों को बता रहे थे, उनका नाम था कैस्पेरी। और ये अब पट्टी के रूप में, स्ट्राइप के रूप में दिख रहा है था थिकनिंग, इसीलिए नाम दे दिए कैस्पेरियन स्ट्राइप। क्या नाम दिए इसका हम लोगों ने? कैस्पेरियन स्ट्राइप। और इसके अंदर कौन सा ग्रेन मिल रहा था? तो कहेंगे चावल का दाना मिल रहा है, स्टार्च। चावल क्या है? स्टार्च। तो ये चावल का दाना मिल रहा है ना, और हम लोग कहते हैं स्टार्च ग्रेन्स आर प्रेजेंट। कौन सा ग्रेन्स प्रेजेंट है? स्टार्च के दाने दिख रहे हैं। और चूंकि ये स्टार्च के दानों को कंटेंट कर रहा है, हमने इसका नाम रखा स्टार्च शीत। क्या नाम रख दिया? स्टार्च शीत। तो ये हमने डिस्कशन किया एंडोडर्मल सेल। अब जरा रुको और एक कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं तुम लोगों को। जरा बताओ तो वैक्सी लेयर के कोटिंग से पानी अंदर या बाहर जा पाएगा? मान लो यहां वाटर मॉलिक्यूल है या यहां वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल वैक्सी लेयर पानी को जाने देगा? क्या आंसर दोगे? वैक्सी लेयर का प्रेजेंस कभी भी पानी के मूवमेंट को अलाउ नहीं करेगा। अब हम कंफ्यूजन ये क्रिएट कर रहे हैं कि पानी को प्रोटोजाइलम, ये पानी जो रूट हेयर एब्जॉर्ब किया, यहां तो इजीली मूव कर गया इनसाइड कॉर्टेक्स। क्यों? क्योंकि कॉर्टेक्स में क्या था? इंटर सेलुलर स्पेस था। पानी के मूवमेंट के लिए क्या था? इंटर सेलुलर स्पेस था। पानी मूव किया और पानी कहां पहुंचना है? पहले तो पानी एंडोडर्मल सेल में आएगा, फिर पेरिसाइकिल को क्रॉस करते हुए प्रोटोजाइलम, फिर मेटाजाइलम में पहुंचेगा। और ये मेटाजाइलम दिख रहा है हम लोग को, मेटाजाइलम एक पाइप के समान होगा। फिर ये पाइप से पानी पूरे प्लांट में, इसको सोचो कि प्लांट एक गिरा हुआ है ना, एक गिरा हुआ प्लांट का सेक्शन काट के दिखा रहे हैं तुमको। तो ये अगर वैक्सी लेयर का डिपोजिशन है एंडोडर्मल सेल में, यहां पे ये ग्रीन से जो दिखा रहे हैं, ब्लू से जो दिखा रहे हैं ना, ये वैक्सी लेयर दिखा रहे हैं। तो अगर वैक्सी लेयर का डिपोजिशन है एंडोडर्मल सेल में, तो क्या वो पानी को अलाउ करेगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग घर में एक्सपेरिमेंट करके देख लो, एक पेपर पे वैक्स लगा दो है ना, और पानी डाल के देखो, तो क्या पेपर के क्रॉस कर पा रहा है? बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। मतलब वैक्सी लेयर प्रोटेक्ट कर देता है इसीलिए, लेकिन पानी को तो पहुंचना है जाइलम तक। पानी का अल्टीमेट टारगेट क्या है? मेटाजाइलम। लेकिन मेटाजाइलम तक पानी आने के लिए पानी को कहां आना होगा? प्रोटोजाइलम में आना होगा। प्रोटोजाइलम में आने के लिए, जब ये प्रोटोजाइलम में पहुंच रहा है, तो इसको किसको क्रॉस करना पड़ेगा? एंडोडर्मल और पेरिसाइकिल को क्रॉस करना पड़ेगा। और एंडोडर्मल सेल में वैक्सी लेयर पानी को क्रॉस करने देगा? हम कह रहे हैं नहीं करने देगा। इसीलिए जिस समय ये बन रहा था, डिपोजिशन हो रहा था, जहां पे प्रोटोजाइलम है वहां पे वैक्सी लेयर का डिपोजिशन नहीं होता था। क्या होता था? वैक्सी लेयर का डिपोजिशन नहीं होता था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। किसका डिपोजिशन नहीं होता था? वैक्सी लेयर का डिपोजिशन। कहां पे नहीं होता था? कहेंगे प्रोटोजाइलम के अगेंस्ट पॉइंट पे, एंडोडर्मल सेल में, वो जगह जो प्रोटोजाइलम के ऑपोजिट है वहां पे नहीं हो रहा है। किसका? वैक्सी लेयर का डिपोजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये वो जगह है जो पानी के जाने को पैसेज प्रोवाइड कर रहा है, रास्ता प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए इस डायग्राम में जहां भी प्रोटोजाइलम बनाए हैं, वहां से इसको हम लोगों को क्या करना है? जाइलम के अगेंस्ट में इसको रिमूव कर देना है। मतलब इस जगह पे क्या नहीं है, जहां जहां दिखा रहे हैं वहां पे क्या नहीं है? वहां पे एंडोडर्मल सेल में कोई वैक्सी लेयर का क्या नहीं है? कोटिंग नहीं है। और वहां पे एक छोटा सा ब्लैंक स्पेस बचा हुआ है। उस स्पेस के थ्रू पानी जा रहा है, मतलब पानी के जाने का वो पैसेज है, रास्ता है। हमने उस जगह का नाम रखा पैसेज सेल। क्या नाम रख दिया इसका? तो इस लोकेशन को हम लोगों ने नाम दे दिया पैसेज सेल। ये देखो डायरेक्शन दिखा रहे थे ना, ये जगह का नाम क्या रख दिए? पैसेज मतलब रास्ता। किसके लिए रास्ता है ये? वाटर के मूवमेंट के लिए रास्ता है, पानी मूव करेगा। तो बाकी जगह पे तो हम लोग क्या दिखा रहे हैं? ये वैक्सी लेयर का कोटिंग दिखा रहे हैं, लेकिन प्रोटोजाइलम के ठीक ऑपोजिट पॉइंट पे हम वैक्सी लेयर का कोटिंग नहीं दिखा रहे हैं। ये समझ में आ गया? तो अब तक हम लोग क्या देखे? एंडोडर्मल सेल की 7 और 8 प्रॉपर्टी को हम लोग क्लियर कट समझे।
फिर से इसको रिपीट करें हम लोग, एंडोडर्मल सेल इज इनर मोस्ट लेयर, किसका लेयर है? कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर का लेयर है। दूसरे पॉइंट पे हम लोग क्या डिस्कशन किए, इसके सेल्स कैसे हैं देखने में, दे आर बैरल शेप्ड सेल। तीसरा पॉइंट क्या डिस्कस किए, ये डाइकॉट और मोनोकॉट किसमें मिलेगा, कहेंगे डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों ही रूट में प्रॉपरली कैसा दिखाई देगा, एस्टैब्लिश्ड दिखाई देगा, वेल डेवलप दिखाई देगा। हालांकि ये डाइकॉट के स्टेम में भी दिखाई देगा, लेकिन स्टेम के कंपेरिजन में ये ज्यादा अच्छा वेल डेवलप दिख रहा है, होता है रूट में। फिर चौथे पॉइंट पे आ गए हम लोग, एंडोडर्मल सेल्स आपस में क्लोजली फिटेड हैं, कैसे हैं, आपस में ये क्लोजली फिटेड हैं, और क्लोजली फिटेड होने के चलते इनके बीच में कोई स्पेस नहीं दिख रहा है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं दिख रहा है। इसके इनर वॉल और रेडियल वॉल पे क्या दिख रहा होगा, थिकनिंग दिख रहा होगा, इनर और ये दिखा रहे हैं रेडियल और ये दिखा रहे हैं इनर वॉल पे, तो रेडियल और इनर वॉल पे थिकनिंग दिख रहा है। ये थिकनिंग किसके चलते है, इट इज आइदर बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ सुबेरीन और बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, दोनों ही वैक्सी लेयर है। और इसके बारे में जो साइंटिस्ट बताए थे उनका नाम था कैस्पेरी, इसीलिए इस लेयर को हम लोग नाम दे दिए कैस्पेरियन स्ट्राइप। क्या नाम दिया इसका, कैस्पेरियन स्ट्राइप। और फाइनली ये कह रहे थे कि इसके अंदर स्टार्च का ग्रेन्स भी दिख रहा है, स्टार्च के ग्रेन्स के दिखने के चलते इस एंडोडर्मल सेल को हम लोग स्टार्च शीट कवरिंग, शीट शब्द का मतलब होता कवरिंग, हमने नाम दिया स्टार्च शीट। तो ये तुम्हारा हो गया एंडोडर्मल सेल। अब हम लोग फिर उसके अंदर आ रहे हैं, ज्यों ही एंडोडर्मल सेल के अंदर आए हम लोगों ने एक नाम रख दिया, ये देखो एरो दिखा रहे हैं यहां से लेके यहां तक, कहीं से स्टार्ट करो एंडोडर्मल सेल, ये एंड हो गया, यहां से लेके हम लोग एरो दिखा दो है ना अंदर तक, ये पूरे स्ट्रक्चर को हमने एक नाम दिया स्टीली। क्या नाम दिया, स्टीली। स्टीली कहां से शुरू किए, एंडोडर्मल सेल के अंदर ज्यों ही पहुंचे, एंडोडर्मल सेल तक किसका पार्ट था, कॉर्टेक्स का वो इनर मोस्ट लेयर था। अब जो टोटल राउंडेड पोर्शन दिख रहा है इस इंटायर पोर्शन को नाम दिए स्टीली। इसका मतलब एंडोडर्मल के अंदर कौन कौन सा सेल मिला, जरा देखना शुरू करो। पहले सेल का नाम रखे हैं पेरिसाइकिल, फिर सेल है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, फिर सेल है फ्लोएम, फिर बीच में अगर अवेलेबल है तो पिथ, और इन सारे सेल्स को पिथ रे कहते हैं। तो ये सारा का सारा सेल किसका पार्ट हो गया, स्टीली का पार्ट हो गया। तो एक क्वेश्चन आता, व्हाट इज स्टीली, हम लोग ये ध्यान रखना, अभी दो टॉपिक हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ स्टीली और जाइलम और फ्लोएम में हमने बताया था, उसमें थिकनिंग को हमको डिस्कस करना, टाइप ऑफ थिकनिंग, ये दो चीजों को हम लोग अलग से समझेंगे। तो हम टॉपिक लिखेंगे उस समय थिकनिंग, और फिर टॉपिक लिखेंगे टाइप ऑफ स्टीली। तो पहले तो ये समझे व्हाट इज स्टीली, हम लोग क्या कहे, एंडोडर्मल सेल के अंदर एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक है ना जो पूरा एरिया दिख रहा था, इस एंटायर एरिया को हमने नाम दिया स्टीली। तो स्टीली क्या हो गया, स्टीली इज सेंट्रल पोर्शन ऑफ रूट, सेंट्रल पोर्शन ऑफ द प्लांट, रूट को, रूट के सेंट्रल पोर्शन का नाम रखे स्टीली। अब एक क्वेश्चन मेडिकल में आता है, स्टीली कंसिस्ट ऑफ, हम लोग क्या आंसर देंगे, स्टीली कंसिस्ट ऑफ पेरिसाइकिल, जाइलम, फ्लोएम एंड व्हेन पिथ इज प्रेजेंट, पिथ एंड पिथ रे और मेडुलरी रे, जिसको प्लांट में हम लोग कंजंक्टिव टिश्यू का नाम दिए। ये समझ में आ गया, अभी हम लोग स्टीली पे समझा रहे हैं व्हाट इज स्टीली। तो पेरिसाइकिल किसका पार्ट हो गया, पेरिसाइकिल स्टीली का पार्ट हो गया, किसका पार्ट हुआ, स्टीली का पार्ट हो गया। तो अब हम लोग आ रहे हैं पेरिसाइकिल में, एंडोडर्मल सेल के बाद, एंडोडर्मल सेल के बाद अंदर में जो एक लेयर दिख रहा है वो है पेरिसाइकिल। ये नाम कैसे पड़ा, पेरी मतलब चारों तरफ, देखो डायग्राम में ये चारों तरफ है ना, एंडोडर्मल सेल के चारों तरफ है, और ये एंडोडर्मल सेल कैसा दिख रहा था, साइकिल मतलब गोल राउंडेड स्ट्रक्चर था, इसीलिए स्ट्रक्चर का नाम हम लोग दिए पेरी मतलब पेरिफेरी, साइक्लिक वे में ये चारों तरफ दिख रहा था, हम लोग नाम दिए पेरी साइकिल। अब हम लोग फिर देख रहे हैं इसको, पेरी साइकिल के सेल्स पेरेन्काइमा के बने हुए हैं, मतलब दिस पेरी साइकिल ये कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ पेरेन्काइमा,
फिर पेरेंकाइमा की प्रॉपर्टी बार बार नहीं याद करना हमको, हमने पहले ही इसको डिस्कस किया है, इट इज लिविंग सेल। पेरेंकाइमा कैसा है? ये लिविंग सेल्स है, है ना। दूसरा आइसोडायमेट्रिकल है, तीसरा थीन वॉल्ड है। तो वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग अभी एक ही लाइन कर रहे हैं कि दिस पेरिसाइकिल इज कंसिस्टिंग ऑफ पेरेंकाइमा। ये किसका बना हुआ है? पेरेंकाइमा का बना हुआ है, और ये नॉर्मली थीन वॉल्ड होता था लेकिन अब ये थोड़ा थिक वॉल्ड हो गया है, है ना। नॉर्मली पेरेंकाइमा के वॉल को कहते हैं थीन वॉल्ड, लेकिन ये पेरिसाइकिल का जो पेरेंकाइमा है कॉम्परेटिवली थोड़ा थिक हो गया है। तो ये हम लोग कहें पेरिसाइकिल। अब पेरिसाइकिल से एम्स में भी ये जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन एम्स में भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन बीएचयू में भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन एएफएमसी में भी आया हुआ है। तो ये सारे मेडिकल कॉलेज में जितने भी एग्जाम हुए हैं ना, सब में एक क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन है जरा ध्यान से देखो। हम लोग रूट में लैटरल रूट देखते हैं, एक प्रॉपर रूट होता है उससे लैटरल रूट निकला रहता है। ये लैटरल रूट इसी पेरिसाइकिल से निकलता है। कहां से निकलता है? इसी पेरिसाइकिल से निकलता है। ये देखो डायग्राम में बना दिए, एक तरफ ये लैटरल रूट निकाल दिए, यहां भी लैटरल रूट निकाल रहे हैं। तो लैटरल रूट के बारे में क्वेश्चन पूछा है। पेरिसाइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट का पेरिसाइकिल का दो इंपॉर्टेंट रोल है, एक तो सेकेंडरी ग्रोथ जब रूट में होगा तब इसका रोल दिखाई देगा, और दूसरा जब हम लोग लैटरल रूट की बात करेंगे। तो प्लांट में नॉर्मल प्रॉपर रूट से जो लैटरल रूट निकलता है उसकी बात कर रहे हैं। लैटरल रूट्स ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पेरिसाइकिल, है ना। तो इसको हम लोग, इसका ओरिजिन पूछा है। एंडो मतलब इनसाइड, जेनस मतलब जनरेट करना। ये लैटरल रूट कैसे जनरेट किया? फ्रॉम इनसाइड जनरेट किया। हम लोग टर्म यूज करते हैं एंडोजेनस इन ओरिजिन। क्या टर्म यूज किया हमने? हमने टर्म यूज किया दे आर एंडोजेनस इन ओरिजिन। तो लैटरल रूट्स आर ऑलवेज एंडोजेनस इन ओरिजिन। और क्यों बोले? क्योंकि ये कहां से डिराइव हो रहा है? लैटरल रूट्स ऑलवेज डिराइव फ्रॉम पेरिसाइकिल। ये पेरिसाइकिल से निकल रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक डिस्कशन किए। अब यहां पे एक पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अब इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। नॉर्मली सेकेंडरी ग्रोथ की यहां पे रुकते हैं और इससे हटके दो बातें बता रहे हैं, है ना। क्या बात बता रहे हैं? नॉर्मली अब हम लोग आते हैं, एक टर्म समझा रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ। हमने क्या कहा था? प्लांट में जब प्लांट मोटा होना शुरू करता है इसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो हम लोग कहते हैं स्टेम में भी सेकेंडरी ग्रोथ होता है और रूट में भी सेकेंडरी ग्रोथ होता है। एक बड़े से आम के पेड़ में जो बहुत मोटा था, तुम जाके उसके रूट को जरा सा मट्टी हटा के देखो, रूट भी उसका उतना ही मोटा दिख रहा था। मतलब रूट में भी सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा था, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ हम लोग किसको कह रहे हैं? इंक्रीज इन थिकनेस को सेकेंडरी ग्रोथ कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? इंक्रीज इन थिकनेस को सेकेंडरी ग्रोथ कह रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पेरिसाइकिल, अब पूरे स्ट्रक्चर में हम लोग अभी देख रहे थे, नॉर्मली एक डाइकॉट के स्टेम में जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक मेरिस्टमेटिक टिश्यू कैम्बियम पाया जाता है, और कैम्बियम के मिलने से ही वहां पे एक कैम्बियम रिंग बनता है, और फाइनली यही हेल्प करता है सेकेंडरी ग्रोथ में। लेकिन रूट में, चाहे वो डाइकॉट का रूट हो या मोनोकॉट का रूट हो, कहीं भी किसी कैम्बियम को नहीं देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जाइलम और फ्लोएम तो अलग अलग रेडियस पे है, ये एक जगह पे है ही नहीं, इसीलिए दोनों के बीच में कोई मेरिस्टमेटिक टिश्यू, कैम्बियम नामक कोई मेरिस्टमेटिक टिश्यू नहीं है। ये समझ में आ गया? जब कैम्बियम नामक कोई मेरिस्टमेटिक टिश्यू नहीं है तो कैम्बियम ही रोल प्ले करता है सेकेंडरी ग्रोथ में। हम ये जानते हैं व्हेन कैम्बियम इज प्रेजेंट इट विल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। यहां हम लोग कह रहे हैं कि रूट में कैम्बियम नहीं है, फिर भी डाइकॉट के रूट में सेकेंडरी ग्रोथ दिखता है। इसका मतलब इसके लाइफ में कभी ना कभी कैम्बियम बनता है, और जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है उस समय यही पेरिसाइकिल कैम्बियम बनाता है। कौन सा पोर्शन? ये जो पेरिसाइकिल का पोर्शन था, यही स्ट्राइप में है ना, दिखा रहे हैं ऐसे, स्ट्राइप में क्या बनाता है? कैम्बियम बना देता है। मतलब इसमें भी कैम्बियम बनता तो है लेकिन बाद में बनता है, मतलब ये सेकेंडरी इन ओरिजिन है। रूट में कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के समय बनता है,
शुरू से नहीं दिख रहा है। अगर रूट लंबा हो रहा है तो कोई कैम्बियम नहीं है, लेकिन जब रूट मोटा होना शुरू हुआ तब पहली बार कैम्बियम बना। कौन सा सेल बनाया? पेरिसाइकिल का वो सेल बनाया जो फ्लोएम के यहां से देख रहे हैं ऊपर है ना। तो फ्लोएम के ऊपर का पेरिसाइकिल का सेल कैम्बियम बनाया। इसका मतलब कैम्बियम मेरिस्मेटिक टिश्यू है, लेकिन ये कैम्बियम सेकेंडरी इन ओरिजिन है, जबकि स्टेम का कैम्बियम प्राइमरी इन ओरिजिन था। शुरू से जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या देख रहे थे हम लोग? कैम्बियम देख रहे थे, है ना। शुरू से क्या देख रहे थे? जाइलम और फ्लोएम के बीच में हम लोग कैम्बियम देख रहे थे। चलो फिर हम लोग आते हैं वापस यहाँ पे। तो अगर हम लोग पेरिसाइकिल की बात करें रूट में, तो कौन सा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है? क्या हम लोग को याद रखना है? पेरिसाइकिल से क्या निकलता है? लैटरल रूट निकलता है। मीनिंग बाय इट इज पेरिसाइकिल फ्रॉम वेयर लैटरल रूट अराइजेस। इसका मतलब लैटरल रूट का ओरिजिन एंडो मतलब इनसाइड, जेनस मतलब ओरिजिन, एंडोजेनस होता है। तो द ओरिजिन ऑफ लैटरल रूट इज ऑलवेज एंडोजेनस। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, इट इज पेरिसाइकिल विच फॉर्म कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। पेरिसाइकिल से रिलेटेड दो पॉइंट जान गए। पेरिसाइकिल फ्यूचर में क्या बनाएगा? पेरिसाइकिल सेकेंडरी ग्रोथ के समय कैम्बियम बना देगा, है ना। तो कैम्बियम कौन बनाया? पेरिसाइकिल बनाया। कब? जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा था। तो इट इज पेरिसाइकिल विच फॉर्म कैम्बियम। तो पेरिसाइकिल ऑफ रूट से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरिसाइकिल इन केस ऑफ रूट? ऑप्शन देगा, पहला ऑप्शन दे देगा फॉर्मेशन ऑफ लैटरल रूट। तुमको याद हो चुका है लैटरल रूट का फॉर्मेशन। और लास्ट ऑप्शन देगा फॉर्मेशन ऑफ लैटरल रूट एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम। लैटरल रूट और कैम्बियम दोनों के फॉर्मेशन में ये हेल्प कर रहा है। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोनों ऑप्शन होगा। द फंक्शन ऑफ पेरिसाइकिल इज टू प्रोवाइड, और लैटरल रूट अराइजेस फ्रॉम पेरिसाइकिल एज वेल एज इट ऑल्सो हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ कैम्बियम। तो ये दोनों ऑप्शन तुमको ढूंढना है। और ऐसे क्वेश्चन हमने बताया था पहला ऑप्शन जो होता है वो करेक्ट ऑप्शन होता है, बट लास्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। तो हमेशा जब पहले में तुमको करेक्ट आंसर दिखे तो क्या है? खतरे की घंटी है, सावधान होना है। और लास्ट ऑप्शन को तो बहुत ध्यान से देखना है, थर्ड सेकेंड फोर्थ, कहीं ना कहीं तुम्हारा बेस्ट आंसर मिलेगा। यूजुअली फर्स्ट इज द आंसर, इसका मतलब देर इज द बेस्ट आंसर ऑल्सो। यूजुअली ऐसा ही देखा गया है, जो ट्रेंड है बायो में हमने देखा है। अब फिर हम लोग आते हैं पेरिसाइकिल के बाद अंदर आते हैं। ज्यों ही अंदर आते हैं हमको वैस्कुलर टिश्यू दिखने लगता है। अब इस वैस्कुलर टिश्यू को हम लोग देखते हैं, वैस्कुलर टिश्यू को देखते हैं इस चौक से देख रहे हैं। ये जाइलम है, एक्स लिख दिए, ये फ्लोएम है, पी लिख दिए। ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है ना। तो जाइलम और फ्लोएम को व्हाइट वाले कलर से बनाए हैं, है ना। ये दिखा रहे हैं जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। जो ही हम लोग पेरिसाइकिल के अंदर आए तो क्या देख रहे हैं? जाइलम और ये सेंटर से जाइलम और फ्लोएम सब अलग अलग रेडियस पे है। कैसे रेडियस पे है? अलग अलग रेडियस पे है। जब जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे होता हो, ऐसे वैस्कुलर बंडल को क्या कहते हैं? रेडियल वैस्कुलर बंडल। तो रूट में हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था, रूट में रेडियल वैस्कुलर बंडल पाया जाता है, जबकि स्टेम में हमने क्या बताया था? स्टेम में जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे पाए जाते हैं। हमने कहा ये कंजॉइंट होता है। तो दो टर्म हो गया, व्हेन वैस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड ऑन डिफरेंट रेडियस। इसको समझना है बेटा, ये क्या चीज है? समझने वाली। देखो ये रेडियस दिखा रहे हैं, ये अलग रेडियस पे है, ये अलग रेडियस पे है, फिर ये अलग रेडियस पे है, ये अलग रेडियस पे है। तो व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडियस, ऐसा कहां मिलता है? ऐसा रूट में मिलता है, चाहे डाइकॉट का रूट हो या मोनोकॉट का रूट हो। डाइकॉट का रूट हो या मोनोकॉट का रूट हो, दोनों ही जगह पे क्या मिलेगा? रेडियल वैस्कुलर बंडल मिलेगा। क्या मिलेगा? रेडियल वैस्कुलर बंडल मिलेगा। फिर हम लोग आगे आते हैं,
रेडियल वैस्कुलर बंडल के में अब नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल को देखते हैं और टाइप देखते हैं। रूट में प्रोटोजाइलम, छोटे वाले का नाम क्या रखे थे? प्रोटोजाइलम, और मोटे वाले का नाम मेटाजाइलम। तो हम लोगों ने तरीका बताया था, मोटा इज मेटा, छोटा इज प्रोटो। क्या तरीका बताया? छोटा इज प्रोटो। क्या चीज छोटा है? डायमीटर छोटा है, मतलब ये पानी कैरी करेगा तो कम करेगा, ये करेगा तो उससे ज्यादा करेगा, और ये कैरी करेगा तो सारे पाइपलाइन, समझो अलग अलग डायमीटर का पाइपलाइन लगा हुआ है, सभी का सभी पानी कैरी कर रहा है ना। लेकिन ज्यादा से ज्यादा पानी कौन कैरी कर रहा होगा? मेटाजाइलम, क्योंकि प्रोटोजाइलम अपने पानी को फाइनली फ्लो करते हुए मेटाजाइलम तक पहुंचाएगा। क्योंकि मेटाजाइलम का डायमीटर ज्यादा बड़ा होगा, इसीलिए मोस्ट ऑफ द वाटर इज बीइंग कंडक्टेड बाय मेटाजाइलम। तो हमने क्या कहा, फिर से देखो, नंबर ऑफ जाइलम और नंबर ऑफ फ्लोएम को कहते हैं वैस्कुलर बंडल, है ना। तो जाइलम इस डायग्राम में, डायकॉट के डायग्राम में हमने चार जाइलम और चार फ्लोएम बनाया है ना। ये व्हाइट वाला जो पोर्शन है ये जाइलम है, एक्स लिख दिए, और ये जो पोर्शन है ये पी लिख दिए। तो हमने कितना बनाया? फोर बनाया। तो नॉर्मली 2 to 6 वैस्कुलर बंडल, इसको वैस्कुलर बंडल बोल रहे हैं हम लोग। जाइलम और फ्लोएम को क्या कह रहे हैं? वैस्कुलर बंडल कह रहे हैं, और कहते हैं 2 to 6 वैस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ डायकॉट, है ना। डायकॉट के रूट में नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल 2 to 6 मिलेगा, 2 to 6 मिलेगा। अब यही वो पॉइंट है जहां पे डायकॉट और मोनोकॉट को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब तक जितना कैरेक्टर देख रहे थे वो सभी का सभी कैरेक्टर कॉमन दिखा। पहली बार डायकॉट और मोनोकॉट में अब हमको डिफ्रेंशिएशन दिख रहा है। डायकॉट में नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल इज रेस्ट्रिक्टेड टू 2 to 6, 2 दिखेगा, 3 दिख सकता है, 4 दिख सकता है, 5 दिख सकता है, 6 दिख सकता है। कॉमनली हम लोग अपने डायग्राम में 4 दिखा रहे होते हैं। तो जब नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम आर 4, तब इसके लिए टर्म यूज करते हैं टेट्रार्क। टेट्रा मतलब होता है 4, है ना। तो टर्म यूज हुआ टेट्रार्क। अगर ये 3 मिलता तो टर्म यूज करते ट्राई, ट्राई मतलब 3, ट्राई आर्क। अगर ये 2 मिलता तो 2 के लिए टर्म होता है डाई, तो हम लोग टर्म यूज करते डाई आर्क। तो ये जो टर्म है वो टर्म को रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है। हम लोगों ने क्या कहा, 2 to 6 यहां पे दिखा रहे हैं, 1 2 3 4, देर आर 4 जाइलम। उसी तरह से दिखा रहे हैं देर आर 4 फ्लोएम। तो नंबर ऑफ जाइलम एंड नंबर ऑफ फ्लोएम वी टुगेदर कॉल इट वैस्कुलर बंडल। तो क्या कहेंगे, नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल्स आर फ्रॉम 2 to 6, या तो 2 या 6, 2 से 6 के बीच में, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 3 4 5 6, वट एवर इज द नंबर, बट इट विल रिमेन बिटवीन 2 to 6। नंबर कहां रहेगा? आइदर 2 or 3 or 4 or 5 or 6, और उस बेसिस पे नाम अलग अलग रखेंगे। अगर ये नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल 4 है तो टर्म यूज किए टेट्रार्क, अगर 3 है तो टर्म यूज करेंगे ट्राई, TRI, ट्राई आर्क, अगर 2 है तो टर्म यूज करेंगे डाई आर्क, अगर 5 और 6 है तो यहां पे हम लोग देखते हैं हेक्सार्क टर्म यूज करेंगे। लेकिन मोनोकॉट में, अब यहां पे हम लोग पहली बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं डायकॉट और मोनोकॉट को, लेकिन अगर मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट के केस में नंबर इज ऑलवेज, वैस्कुलर बंडल का नंबर इज ऑलवेज मोर देन 6। तो हमने डायग्राम में कितना बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जाइलम बनाया है और 7 फ्लोएम भी बना दिया है। तो ये मोर देन 6 बनाने के लिए हमने नंबर को 7 ले लिया, और जब इट इज मोर देन 6 द टर्म फॉर जाइलम एंड फ्लोएम इज पॉली, पॉली मतलब मेनी आर्क। तो टर्म क्या यूज करेंगे हम लोग, पॉली मतलब बहुत, मेनी आर्क। तो वैस्कुलर बंडल में नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल इज 2 to 6, किसमें, इन केस ऑफ डायकॉट रूट, लेकिन इन केस ऑफ मोनोकॉट रूट द नंबर इज ऑलवेज मोर देन 6। तो यहां हमने डायग्राम बनाया 7, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर हम लोग आते हैं जाइलम में, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। अब प्रोटोजाइलम देखो कहां है, इट इज अवे फ्रॉम द सेंटर, है ना,
चाहे डायकॉट रूट की बात करो या मोनोकॉट में। यहां से फिर देखो सेंटर से कंपेयर करना है, कोई चीजें अंदर है या बाहर है, कहां से कंपेयर करेंगे, हमेशा उस सेल के सेंटर से सोचना शुरू करेंगे। अब देखो चाहे डायकॉट हो या मोनोकॉट हो, प्रोटोजाइलम कहां दिख रहा है, प्रोटोजाइलम इज अवे, बहुत दूर दिख रहा है, सेंटर से दूर है, इसीलिए टर्म यूज किए थे एक्सार्ज। क्या टर्म यूज किए, एक्सार्ज। ये टर्म हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था, आज फिर लिख रहे हैं, ये क्या हो गया एक्सार्ज, है ना। तो प्रोटोजाइलम इज अवे, वी यूज द टर्म एक्सार्ज। अब जरा ध्यान से सोचो, प्रोटोजाइलम, अब बनाया मेटाजाइलम, फिर बनाया मेटाजाइलम, तो नया और लार्जर डायमीटर का जाइलम किधर बन रहा है, सेंटर की तरफ बनना शुरू हुआ। पेरिफेरी से सोचना शुरू किया हम लोग, क्यों, क्योंकि ये पहला सेल था छोटा वाला, तो ये नए नए सेल को किधर बना रहा है, सेंटर की तरफ बना रहा है। और एनी फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल। ये फिजिक्स में हम लोग जानते हैं ना कि व्हाट इज सेंट्रीपिटल, तो द फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। बिल्कुल इसी शब्द को पिकअप किए और बायोलॉजी में डाल दिए और क्या बोले, द अरेंजमेंट ऑफ जाइलम इज सेंट्रीपिटल, द अरेंजमेंट ऑफ जाइलम इज सेंट्रीपिटल। तो ये फिर दूसरा वर्ड हम लोग लिखते हैं सेंट्रीपिटल। अब हम लोग पूरी तरह से जाइलम के कैरेक्टर को समझ रहे हैं, ये रूट की बात कर रहे थे, यहां भी तुम देखो सेम बातें होंगी, प्रोटोजाइलम कहां, अवे फ्रॉम द सेंटर, तो एक्सार्ज टर्म हो गया। और नया नया जाइलम मेटाजाइलम कहां बन रहा है, धीरे धीरे अंदर की तरफ आ रहा है, सेंटर की तरफ आ रहा है, तो नए सेल्स हमेशा सेंटर की तरफ बन रहे हैं। द ग्रोथ ऑफ जाइलम इज, क्या टर्म यूज करेंगे, द ग्रोथ ऑफ जाइलम इज सेंट्रीपिटल, सेंटर की तरफ। तो अब तक हम लोग क्या क्या देखे, जाइलम और फ्लोएम में नंबर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम का पता चल गया है, द नंबर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इज 4 to 6, ठीक बोल रहे हैं, नहीं, आंसर क्या होगा 2 to 6। ये क्वेश्चन देखो मेडिकल में आया हुआ है, द नंबर तुमको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ याद रखना है, द नंबर इन डायकॉट is from 2 to 6, किस चीज का, ऑफ वैस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम का नंबर 2 to 6 होगा। और अब हम लोग आते हैं मोनोकॉट में क्या होगा, इट इज ऑलवेज मोर देन 6 इन केस ऑफ मोनोकॉट, हम लोगों ने मोनोकॉट में नंबर 7 बना दिया, कितना बना दिया, ये देखो ध्यान से, ये नंबर कितना है, 7 है, 7 है। फिर हम लोग आते हैं प्रोटोजाइलम के बाद मेटाजाइलम, बहुत पहले ही इसका डेवलपमेंट रुक गया है ताकि सेंटर में एक बड़ा सा एरिया दिखने लगे, इस सेंट्रली लोकेटेड एरिया को पिथ कहते हैं। तो पिथ कैसे बना ये समझो, प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम बन रहा था, यहां भी देखो ये प्रोटोजाइलम और ये मेटाजाइलम बन रहा है, मेटाजाइलम धीरे धीरे सेंटर की तरफ आ रहा है, तो डायकॉट के, यह इसको बहुत क्लियर कट समझना है, डायकॉट के रूट में इनिशियली पिथ इज प्रेजेंट, शुरू में तो पिथ दिखता है, बाद में मेटाजाइलम ग्रो करते करते पिथ के पोर्शन को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो अगर डायकॉट के रूट का ऑप्शन आए तो तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन ये नहीं देना है कि डायकॉट के रूट में पिथ इज एब्सेंट, इसमें ऑप्शन रहेगा इन डायकॉट रूट इनिशियली पिथ इज प्रेजेंट, शुरू में पिथ दिख रहा है, बट लेटर ऑन बाद में the place or the area of pith is being occupied by metaxylem. ये metaxylem center की तरफ grow करते करते उस pith की जगह को occupy कर लिया। तो तुमको यही option ढूंढना है in dicot stem, in dicot root, हम लोग का option क्या हो जाएगा, initially pith is present, अगर pith से related question होगा तो इसका option यही होगा कि शुरू में क्या दिख रहा है, Initially pith is present, लेकिन बाद में क्या हुआ, But later on, बाद में pith is obliterated, pith समाप्त हो गया, क्यों, अब आंसर को समझना, रटना नहीं है, क्यों, क्योंकि मेटाजाइलम डेवलप होते होते कहां तक पहुंच गया, pith के पोजीशन पे पहुंच गया, pith के पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लिया। तो देखो ये पहले pith दिखा रहे थे, बाद में मेटाजाइलम यहां पहुंच गया, ये भी यहां पहुंच गया, तो ग्रेजुअली सारे मेटाजाइलम के बीच में पहुंच जाने से क्या हो जाएगा, pith is obliterated, यही टर्म रहेगा, obliterated मतलब
रहना और समाप्त हो जाना, कोई चीज पहले से थी और अब समाप्त हो रही है, तो द टेक्निकल वर्ड इज ऑब्लिटरेटेड। यहां भी टेक्निकल वर्ड आएगा क्वेश्चन में। ये जितने शब्दों को मैं बता रहा हूं ना, ये सारे मेडिकल्स के लाइंस हैं, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वही सब हैं। तो ये फिर देखो, प्रोटोजाइलम यहां पे दिखा रहे हैं और मेटाजाइलम। तो हम लोग डायकॉट के रूट की जब बात करेंगे तो क्या कहेंगे, इनिशियली पिथ इज प्रेजेंट। क्या कहेंगे, इनिशियली पिथ इज प्रेजेंट बट लेटर ऑन द पोजिशन ऑफ पिथ इज ऑक्यूपाइड बाय मेटाजाइलम। लेकिन जब हम लोग मोनोकॉट की बात करेंगे तो कहेंगे लार्ज वेल डेवलप्ड पिथ इज प्रेजेंट। ये दिखा रहे हैं वेल डेवलप्ड पिथ दिख रहा है। और जब हम लोग पिथ की बात कर रहे हैं तो पिथ क्या है, कोई एम्प्टी स्पेस है? नहीं, ये कोई खाली जगह नहीं है, बल्कि यहां पे पेरेनकाइमेटस टिश्यू भरे हुए हैं, है ना। दिस एरिया इज नथिंग बट कंटेन पेरेनकाइमेटस टिश्यू। पेरेनकाइमेटस टिश्यू का वो एरिया है। अब मोनोकॉट में तो वो फॉर्मूला फिर याद रखो, हमने फॉर्मूला बताया था मिस्टर डीएस कंटेन पिथ मोनोकॉट रूट एंड डायकॉट स्टेम। अब देखो तो मोनोकॉट रूट में क्लियर कट पिथ दिख रहा है, डायकॉट के रूट में अगर क्वेश्चन आएगा तो कहेंगे अब ये नहीं दिख रहा है, जब ये मैच्योर्ड हो गया तब ये नहीं दिख रहा है, लेकिन शुरू में तो ये दिख रहा था। तो डायकॉट के रूट के लिए द करेक्ट आंसर इज इनिशियली पिथ इज प्रेजेंट बट लेटर ऑन इट इज एब्सेंट और ऑब्लिटरेटेड बिकॉज द पोजिशन ऑफ पिथ इज बींग ऑक्यूपाइड बाय मेटाजाइलम। मेटाजाइलम ने उस पोजिशन को ऑक्यूपाई कर लिया है। फिर यहां पे वापस आते हैं हम लोग, लेकिन मोनोकॉट के रूट में द ग्रोथ ऑफ मेटाजाइलम इज वेल रिस्ट्रिक्टेड। ये रिस्ट्रिक्ट हो चुका है ना, इसका ग्रोथ अब रुक चुका है, इसीलिए एक वेल डेवलप्ड पिथ दिख रहा है। इसमें वेल डेवलप्ड पिथ दिख रहा है, तो हम लोग इसके केस में देख रहे हैं ए वेल डेवलप्ड पिथ इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। एक बहुत अच्छा डेवलप्ड पिथ दिख रहा है मोनोकॉट के रूट में। क्वेश्चन का आंसर फिर क्यों दिख रहा है, बिकॉज मेटाजाइलम रेस्ट्रिक्ट इटसेल्फ। मेटाजाइलम का ग्रोथ रुक चुका है, ये रेस्ट्रिक्ट कर चुका, अपने आप को रोक चुका है, इसीलिए ये दिख रहा है, ये यहीं पे रुक गया है, इसका ग्रोथ यहीं पे रुक गया है। तो मेटाजाइलम का ग्रोथ रुक चुका है, इसीलिए एक लार्ज पिथ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ए लार्ज वेल डेवलप वेल एस्टैब्लिश्ड पिथ इज प्रेजेंट इन केस ऑफ, हम लोग क्या कहेंगे, इन केस ऑफ मोनोकॉट रूट। तो ये दो बेसिक अंतर हो गए किसके किसके बीच में, इन बिटवीन डायकॉट एंड मोनोकॉट रूट, है ना। डायकॉट के रूट में हमने क्या देखा, नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल से शुरुआत कर रहे हैं, कह रहे हैं हम लोग बाकी सारी चीजें कॉमन है। नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल इज इन बिटवीन 2 to 6 इन केस ऑफ डायकॉट। डायकॉट के केस में ये 2 से 6 के बीच में हो सकता है, ये 3 होगा तो कहेंगे ट्राई आर्क, 2 होगा तो कहेंगे डाई आर्क, 4 होगा तो कहेंगे टेट्रार्क, 5 होगा तो कहेंगे पेंटार्क एटसेट्रा। लेकिन मोनोकॉट के रूट में इट इज ऑलवेज मोर देन 6। हमने डायग्राम में बनाया 7 और इसके लिए एक टर्म यूज किए पॉली, मतलब मेनी आर्क। तो व्हेन वैस्कुलर बंडल इज मोर देन 6 देन द कॉमन वर्ड इज पॉली आर्क। ये जो कॉमन वर्ड होगा पॉली आर्क होगा। दूसरा अंतर क्या देखे हमने, दूसरा अंतर देखा ए वेल एस्टैब्लिश्ड पिथ इज प्रेजेंट। एक बहुत ही डेवलप्ड पिथ दिख रहा है किसके बीच में, हम लोग मोनोकॉट के रूट के। और ये पिथ कैसा है और क्यों है, क्योंकि मेटाजाइलम रेस्ट्रिक्ट इट्स ग्रोथ वेल बिफोर द प्रेजेंस ऑफ ए पिथ। पिथ के प्रेजेंस के पहले ही इसका ग्रोथ ये सीज कर चुका है, इसीलिए एक क्लियर कट पिथ दिखाई दे रहा है। अब तीसरी बात, पिथ क्या है, तो हम लोग क्या आंसर दिए, पिथ इज नॉट एन एम्प्टी स्पेस। ये कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है, ये एम्प्टी स्पेस नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, पिथ से कुछ टिश्यू इन बिटवीन जाइलम और फ्लोएम भी रन कर रहा है ना, ये दिखा रहे हैं ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में रन कर रहा है। तो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में रन करने वाले इस टिश्यू का नाम दिया गया कंजंक्टिव टिश्यू, और डायकॉट के स्टेम में हम लोग इसका नाम रखे थे पिथ रे। हम लोग कहते थे
मिडिल पोर्शन से रे के समान निकल रहा था स्ट्रक्चर। तो स्टेम में जिसको पिथ रे कहे, रूट में इसका नाम रखे हैं कंजंक्टिव टिश्यू, जोड़ने वाला टिश्यू, है ना, ये ऐड करेगा, तो इसका नाम रखा गया। तो क्या कहते हैं हम लोग, इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम द पेरेन्काइमेटस टिश्यू विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेंट्रल पोर्शन इज कॉल्ड एज कंजंक्टिव टिश्यू। तो एक कंजंक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट इन केस ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट, है ना, डाइकॉट और मोनोकॉट रूट में कंजंक्टिव टिश्यू मिलता है, जबकि अगर स्टेम की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेम में, जब स्टेम की बात करते हैं तो कहते हैं स्टेम में पिथ रे मिलता है। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं बच्चों, ये जो साबुदाना होता है ना, इसको कहते हैं सागो, और जिस प्लांट से निकलता उसका नाम रखा गया सागो पाम ट्री। सागो पाम ट्री के पिथ से ही साबुदाना निकलता है ना, सागो पाम ट्री के पिथ से। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं ना कि वेयर फ्रॉम सागो इज ऑब्टेन, तो सागो इज ऑब्टेन फ्रॉम द पिथ पोर्शन, प्लांट के पिथ से। जो साबुदाना हम लोग खाते हैं, इसकी खिचड़ी खाते हैं, है ना, इसका हम लोग बना के पकौड़ा खाते हैं, तो जो भी चीज खाते हैं साबुदाने का, वो कहां से डिराइव हो रहा है, तो प्लांट का नाम याद रखना है। ये क्वेश्चन आया है, सागो पाम ट्री इसका नाम है, और इसमें किस पोर्शन से निकला ये, इट इज द पोर्शन ऑफ पिथ, पिथ से ये डिराइव हुआ। तो साबुदाना के बारे में एक क्वेश्चन जो मेडिकल में आया हुआ था वो हमने डिस्कशन किया। फिर जहां भी पिथ है, ये किस चीज का बना हुआ है, पिथ कंसिस्ट ऑफ पेरेन्काइमेटस टिश्यू, ये कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है, कोई खाली जगह सेल के अंदर नहीं है, बल्कि क्या है, एक पेरेन्काइमेटस सेल से ऑक्यूपाइड एरिया है। तो ये हम लोगों ने देखा एक डाइकॉट और एक मोनोकॉट रूट, है ना, बल्कि हम लोगों ने ये कहेंगे कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम भी साथ साथ डिस्कस कर चुके, दोनों के ग्राउंड और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को भी देख रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक खत्म हुआ, हमने लास्ट क्लास में खत्म किया था एनाटॉमी, दैट इज डाइकॉट एंड मोनोकॉट में स्टेम का एनाटॉमी देखा था, और अभी हमने क्या क्या देखा, एनाटॉमी ऑफ रूट ऑफ डाइकॉट रूट एंड एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा एनाटॉमी ऑफ लीफ। तो ये तीन चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, है ना, दो स्टेम के बारे में, डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम, फिर रूट के बारे में, डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट, और अब जो स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम होगा डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ। इन तीनों चीजों को स्टडी करने के बाद हम लोग कंसंट्रेट करेंगे दो पॉइंट्स पे, एक था स्टीली और दूसरा था टाइप ऑफ थिकनिंग इन वैस्कुलर बंडल, है ना, ये दो चीजें डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, तब आएंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम एंड सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट, ठीक है।